अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जावा ऑनलाइन ट्रेनिंग में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी दो हमारी वीडियो सीरीज़ जो है वो चल रही हैं। आज हम तीसरी वीडियो सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि जावा पे भी वीडियो जो है वो बनाई जाएँ, तो आज हम जावा ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी पहली वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि जावा जो है वो किसने कब डेवलप की। जावा 1991 में जेम्स गोसलिंग ने डेवलप की। सन माइक्रोसिस्टम ने पहली बार 1995 में इसको रिलीज़ किया जावा 1.0 के नाम से। जावा का जो पहला नाम था वो ओक था, और जावा को 1.0 के वर्जन से 1995 में रिलीज़ किया गया। अब इसका जो लेटेस्ट वर्जन आजकल चल रहा है वो है जावा स्टैंडर्ड एडिशन 11। जावा स्टैंडर्ड एडिशन 11 जो है सितंबर 2018 में जो है रिलीज़ किया गया। तो इसके बहुत सारे जो है दरमियान में वर्जन आए। अब जावा को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा इंटरप्राइज एडिशन, जावा मोबाइल एडिशन। हम इसको इस तरह पढ़ते हैं, जावा SE, जावा 2ME, जावा 2EE, मतलब इंटरप्राइज एडिशन। जावा का प्रोग्राम जो है दो स्टेप्स में रन होता है, पहले स्टेप में कंपाइल और दूसरे में इंटरप्रेट। जावा वर्चुअल मशीन जो है इसको कंपाइल करती है। एक हम कह सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क है, एक मशीन जिसको हम कह सकते हैं वर्चुअल मशीन, जो इसको इसके प्रोग्राम को बाइट कोड में जो है वो कन्वर्ट करती है। बाइट कोड क्या है, एक्चुअली एक क्लास होती है जावा की। पहले प्रोग्राम जो है वो क्लास में चेंज होता है, फिर क्लास से जो है आगे रन होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका प्रोग्राम जो है वो पोर्टेबल होता है। हम एक प्रोग्राम एक मशीन पे कोड लिखते हैं, उसको किसी भी दूसरे प्रोग्राम पे, सॉरी मशीन पे, उसको जो है वो चलाया जा सकता है। तो जावा के बहुत सारे फीचर्स हैं जो पिछली लैंग्वेज में नहीं थे। ये इसका सिंटैक्स जो है वो C++ से मिलता जुलता है। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ में पॉइंटर था, लेकिन इसमें पॉइंटर नहीं है। सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से इन्होंने पॉइंटर इसमें से निकाल दिया है। तो खैर, इसका प्रोग्राम रन करने के लिए हमें चंद एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें नोट पैड जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, हम नोट पैड प्लस प्लस का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, प्रोग्राम को रन करने के लिए JDK चाहिए होगा, जावा डेवलपमेंट किट, जिसे हम अपने अल्फाज में वर्चुअल मशीन भी कह सकते हैं, जावा वर्चुअल मशीन। JDK दो तरह का है, एक 64-bit विंडो पे रन होगा और एक 32-bit विंडो पे। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास इंस्टॉल होगा आप उस हिसाब से डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंस्टॉलेशन सीखेंगे। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।